पिछले ही लेक्चर का ये अगला हिस्सा है जिसमें कि हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना, और अभी जो है हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो कन्फर्मर्स होता है वो किस तरह से। तो सबसे पहले तो स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो मेरा हो गया। चलो देखो, नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, तुम पहले यहाँ ध्यान से देखना कि ये है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3, CH, CH, और ये है अपना CH3। हम लोग ना, दिस इज द साइट ऑफ व्यू, कि मतलब इस साइड से देख रहे हैं हम लोग। सामने से अगर तुम लोग देखोगे तो इस वाले बॉन्ड के अबाउट रोटेशन देखें। यहाँ पर किस बॉन्ड के अबाउट देख रहे हैं, रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड, कि वाजिब है किसी एक सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन के वजह से ये वाला आइसोमेरिज्म होता है। तो इस वाले सिग्मा बॉन्ड के अबाउट हम लोग देखें। इसी को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से भी तो लिख सकते थे, CH3, CH, H, और यही वाले सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अपने को रोटेशन देखना है, CH3, CH, H। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। जो सबसे पहला आइसोमर होगा, वो सबसे पहला आइसोमर क्या होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम देखो सामने वाले कार्बन पर, मान लो ये वाला कार्बन सामने वाला कार्बन है, इस कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, तो सामने वाले कार्बन पर ये है मिथाइल ग्रुप, इधर में है हाइड्रोजन, इधर में है हाइड्रोजन, और ये पीछे वाला कार्बन जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं उस पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तुम ध्यान से देखो, और पीछे वाले पर एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। इस वाले को हम लोग एक्लिप्स मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 60 डिग्री जैसे रोटेट करेंगे तो देखो सामने वाला जो मिथाइल ग्रुप था वो जहाँ था, बड़ा बड़ा गड़बड़ है इसमें, अंडू होता नहीं है, इसलिए 1 मिनट होल्ड पर रहना तुम। तो यहाँ ध्यान से देखो, पीछे वाला जो सामने वाला पर CH3 इस तरह से H, और पीछे वाला जो था उसको 60 डिग्री जैसे रोटेट करेंगे तो ये वाला मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ। इमेजिन कर पा रहे हो, और 60 डिग्री मान लो रोटेट कर दिए तो, और 60 डिग्री जैसे तुम रोटेट करोगे तो CH3 है, और ये है तुम्हारा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, और ये जो मिथाइल ग्रुप था, ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा अब यहाँ, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इस जगह, दिख रहा है तुम लोगों को। अब जो है इसको तो पहले हटा कर हम लोग यहाँ पर इस जगह पर पहुंचा देते हैं। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखना कि अब 60 डिग्री और रोटेट किए, और 60 डिग्री रोटेट किए, जैसे और 60 डिग्री तुम लोग रोटेट करोगे तो ये मिथाइल ग्रुप अपनी जगह पर था, ये हाइड्रोजन जहाँ पर था वही है, सर्कल है दिखा, और अब जो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, तुम लोग एकदम ध्यान से इमेजिन करना, इस वाले मिथाइल को देखते रहना है, इस वाले को, ठीक है। और 60 डिग्री रोटेट करो, देखो, और 60 डिग्री जैसे तुम रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 यहाँ था और H यहाँ, और एक CH3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। 60 डिग्री और रोटेट करो, और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो CH3 ऐसे ऐसे, H H, अब जो वो मिथाइल ग्रुप था वो मिथाइल ग्रुप आ गया है तुम्हारा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, और यही 60 डिग्री रोटेट करने पर फिर पुराने जैसे स्थिति में आ जाएगा। अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो हमको लगता है समझोगे। तो इस वाले को ना हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, और इस वाले को हम लोग नाम रख देते हैं 1, ठीक है। ये वाला जो है, इस वाले को हम लोग 1 बोल देते हैं। ये जो है दिस इज 2, ये जो है दिस इज 3, ये जो है दिस इज 4, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना तरह का कन्फर्मेशनल आइसोमर बनेगा। अगर तुमसे पूछेगा कि नॉर्मल ब्यूटेन का कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है तो तुम लोग जवाब दोगे 6। सुने बात को, नॉर्मल आइसोमर, नॉर्मल ब्यूटेन का कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है तो तुम लोग जवाब दोगे 6 में कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है, 6।
छे में, सॉरी इनफाइनाइट, सॉरी 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 सॉरी, अगर तुमसे पूछे नॉर्मल ब्यूटेन का कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा तो तुम जवाब दोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ये छह एक्सट्रीम कन्फर्मर है, छह के अलावा जो बीच का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 डिग्री बदलने से जो आइसोमर बनेगा उन समों को हम लोग स्क्यू कन्फर्मर्स बोल, ठीक है ना, वो सब का सब कैसा कन्फर्मर कहलाएगा बताओ, स्क्यू कन्फर्मर, SKEW, स्क्यू कन्फर्मर। ओके, अब तुमसे पूछेंगे ये जो पहला वाला है आइसोमर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखो तो मिथाइल ग्रुप दोनों एकदम आमने सामने है, तुम लोग ध्यान से देखो जस्ट एक दूसरे के करीब, मिथाइल मिथाइल बल्की ग्रुप है ना, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, समझे। ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड में मिथाइल ग्रुप के बीच की दूरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं गॉच। इसमें मिथाइल ग्रुप के बीच का दूरी थोड़ा और ज्यादा लेकिन है तो एक्लिप्स्ड ही, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये वाला जो है इसमें देखो दोनों मिथाइल ग्रुप एकदम दूर दूर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी, याद रहेगा ना, एंटी में मिथाइल ग्रुप सबसे दूर है। फिर तुम देखो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ ये अगल बगल है, तो ऐसा ही टाइप का चीज है, ये जैसा था वैसा ही ये है, तो इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं पार्शियली एक्लिप्स, समझे बात को। तो ये वाला जो है ये कैसा एक्लिप्स है, पार्शियली एक्लिप्स। और ये जो है छठा वाला, इसमें देखो मिथाइल ग्रुप फिर आमने सामने हो गया जैसे कि इस वाले में था, तो इसको भी हम लोग गॉच बोलेंगे। तो तुम देखो गॉच हो गया, ये दोनों गॉच है, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों गॉच है और ये दोनों जो है ये दोनों पार्शियली एक्लिप्स, मतलब कि कुल मिलाकर कितने तरह का कंफर्मर यहाँ पर तुमको दिख रहा है, 1, 2, 3 और 4, ये दोनों पार्शियली एक्लिप्स दो दो है, गॉच दो दो है, तो मतलब कुल मिलाकर 4 एग्जैक्ट पोजीशन बनेंगे, और उसी 4 को यहाँ पर तुम लोगों को लिखकर दर्शाया गया है, सुने बात को, उसी 4 को ये लिखकर यहाँ पर दर्शाया गया है, इसको देखो तुम लोग ध्यान से और समझो, 1 मिनट। तुम देखो यहाँ पर जो ये पहला वाला है अभी तुम लोग को बताएं, ये जो है तुम लोग बताओ, रैंडम क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, तो ये पहला वाला जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये एंटी नजर आ रहा है, अगर तुम लोगों को नजर आ रहा हो तो ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ये फर्स्ट वाला जो है दिस इज एंटी, ये सेकेंड वाला जो है दिस इज गॉच, ये थर्ड वाला सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकेंड वाला जो है ना ये गॉच नहीं है, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड, समझे। यहाँ पर ये तीसरा वाला जो दिख रहा है ये है गॉच, ये वाला जो है ये भी गॉच, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये सॉरी ये जो है पार्शियली एक्लिप्स, और ये जो है दिस इज गॉच, और ये वाला जो है दिस इज ऑल्सो पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है, ये जो है फुल्ली एक्लिप्स। यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, पीछे वाले फिगर से ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो तुमको अलग अलग पिक्चर नजर आ रहा है इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ पर तुमको अगर रिलेटिव इनर्जी की बात, यानी कि इन सबों में ये जो 6 तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेबो का हम लोग यहाँ पर नाम भी लिख ही दिए हैं, तो इन 6 के रिलेटिव इनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी इनर्जी ज्यादा और किसकी इनर्जी कम, तो किसकी इनर्जी ज्यादा किसकी इनर्जी कम, तो उसी को ग्राफिकली भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ग्राफिकली जब तुम दर्शाओगे तो इस ग्राफ में ये इनर्जी का ग्राफ है और अलग अलग एंगल पर है, ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, ये मान लेते हैं सॉरी ये 0 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये जो तुमको नजर आ रहा है दिस इज 180 डिग्री, ये जो है 240 डिग्री, ये जो दिख रहा है 300 डिग्री, और ये जो तुमको दिख रहा है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 4 लेयर होगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, बताओ तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी उसका होगा जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा एनर्जी उसका होगा जिसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस वाले में, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप बिल्कुल करीब है, तो फुल्ली एक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा, दिस इज व्हाट फुल्ली एक्लिप्स।
ऑब्वियस सी बात है एक्लिप्स में ये दूसरा है जिसको पार्शियली एक्लिप्स बोलेंगे, उसका एनर्जी इससे कुछ कम होगा लेकिन सबसे ज्यादा ही होगा। उसके बाद जो तीसरा स्थान होगा वो किसका होगा, गॉच का, क्योंकि गॉच एक तरह से स्टैगर्ड है। और एंटी में इस वाले में तुमको नजर आ रहा होगा कि मिथाइल ग्रुप सबसे दूर है तो सबसे कम एनर्जी जो है वो किसका होगा, एंटी का। तो ये पोजीशन है ये फर्स्ट। उसके बाद जैसे 60 डिग्री घुमाएंगे बन जाता है गॉच, तो गॉच बन गया। उसके बाद तो तुम क्या बोलोगे, ये हो गया सेकेंड पोजिशन, और 60 डिग्री घुमाओगे तो हो जाएगा पार्शियली एक्लिप्स, जो तीसरा तुमको नजर आ रहा है तीसरा। और 60 डिग्री घुमाओगे तो वो फिर से हो जाएगा तुम्हारा एंटी, एकदम नीचे आएगा। तो ये हो गया चौथा पोजीशन। फिर यहाँ से 60 डिग्री घुमाओगे फिर गॉच हो जाएगा, ये पांचवा पोजीशन। फिर 60 डिग्री पार्शियली एक्लिप्स हो जाएगा, उसके बाद घुमाओगे छठा पोजीशन, दिस इज गॉच। और सातवां में फिर से फुल्ली एक्लिप्स हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, पहला का, उसके बाद एनर्जी किसका है तो तीसरा और पांचवा। तुम गौर से देखो, तीसरा और पांचवा एक ही चीज है, पार्शियली एक्लिप्स। फिर उससे कम एनर्जी किसका होगा, उससे कम एनर्जी होगा गॉच का, जो कि दूसरा है और छठा है। और सबसे कम एनर्जी किसका होगा, चौथा वाला का, जो कि एंटी है। ये जो है क्या चीज है बताओ, एंटी। ये जो है ये क्या है, गॉच। ये जो है क्या है, पार्शियली एक्लिप्स। और ये जो है ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स। ओके, अब तुम गौर से देखो इन सबों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी उसी में ज्यादा होगा। ज्यादा स्ट्रेन होगा तो बताओ, तो स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका, एंटी का। उसी चीज को यहाँ पर अलग अलग फिगर में दर्शाया गया, ठीक है। उन्हीं चीजों को यहाँ पर अलग अलग फिगर में दर्शाया गया। ये वही रिलेटिव स्टेबिलिटी का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना था, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, वही 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। यहाँ पर हम दोबारा भी बना दे रहे, और उस ग्राफ को समझना तुम लोग। तुम बताओ तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है, ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, हो तो गया। तो बताओ यहाँ पर कितना लेयर होगा, जल्दी से बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कितना लेयर हो जाएगा, जल्दी बोलो, तो जल्दी से जानो। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर। ये 0 डिग्री मान लेते हैं, ये एक्लिप्स है, तो उसके बाद सीधे आ जाता है पार्सली एक्लिप्स। याद करवा रहे, गॉच के बाद पार्सली एक्लिप्स, पार्सली एक्लिप्स के बाद एंटी, एंटी के बाद फिर से पार्सली एक्लिप्स, फिर हो जाता है गॉच, और फिर जो है ये फुल लेयर, ठीक है ना। तो ये वन था जो मेरे फिगर के अनुसार, टू था, ये था थ्री, ये था फोर, एनर्जी का ग्राफ है ये था फाइव, ये था सिक्स, और ये था वन। सॉरी, दोबारा से वन पर आ गया ना, तो इस वजह से उसी ग्राफ को यहाँ पर भी इस तरह से दर्शाया गया है। इस ग्राफ को भी तुम लोग देखना कि फुल्ली एक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स का, उसके बाद गॉच का, जिसको कि न्यू स्क्यू नाम दे दिया गया, और सबसे कम एनर्जी जो होता है वो किसका होता है, एंटी का। तो जिस तरह से तुम समझे उस तरह से भी ये बन जाए। अब है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन जो होता है, इस चीज को तुम समझना मेरी बात। तो साइक्लो अल्केन क्या होता है, सबसे पहले देखो, दिस इज साइक्लो हेक्सेन, ये दिखा तुम लोगों को। ये है क्या चीज, साइक्लो पेंटेन। ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या है, प्रोपेन। तो स्थिति क्या है कि साइक्लो अल्केन है, एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, कार्बन और कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो सीधा सा बात है, कैसा भी कंपाउंड होगा साइक्लिक रिंग में, वहां पर हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो sp3 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पर दो बॉन्ड के बीच का एंगल जो है दैट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए। लेकिन तुम बताओ कि यहाँ पर जो एंगल है ये है कितना, 120 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है ये है कितना, 72 डिग्री।
यहाँ पर जो एंगल है ये है कितना 90 डिग्री, यहाँ जो एंगल है ये है कितना 60 डिग्री, होना चाहिए 109 डिग्री के आसपास, लेकिन या तो उससे ज्यादा है या तो उससे कम है, जैसा कि तुम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सामान्य तौर पर दो कार्बन के बीच अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, हम थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं समझाने के लिए, अगर तुम लोग ध्यान से देखो इस बात को, अगर दो कार्बन के बीच, दो कार्बन एटम है उसके बीच का एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होने के बजाय बॉन्ड एंगल कुछ और है, मतलब उससे कम या उससे ज्यादा, तो बताओ तो तनाव होगा ना। मतलब नियमतः अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन या तो बॉन्ड एंगल घटाएं या तो बॉन्ड एंगल बढ़ाएं, तो ऑब्वियस सी बात है या तो कुछ ना कुछ तनाव आएगा वहां पर, जिसको स्ट्रेन बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन भी बोल देते हैं, एंगुलर स्ट्रेन भी बोल देते हैं, जिस स्ट्रेन के वजह से कंपाउंड का स्टेबिलिटी घटता है। और इसी चीज को एक्सप्लेन जो करा गया जिस थ्योरी के द्वारा, उसी को हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं, समझे बात को। यानी कि एक्सपेक्टेड एंगल से रियल एंगल के कम या ज्यादा होने के वजह से जो एक तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव के वजह से जो साइक्लिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी का अंतर आता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में जो एंगल के वजह से जो तनाव क्रिएट हुआ, स्ट्रेन ड्यू क्रिएटेड ड्यू टू एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन या फिर एंगुलर स्ट्रेन भी इसको हम लोग बोल देते। ये निकाला कैसे आता है बेयर, इसके लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया, उस फॉर्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन उसके पहले तुम लोग जानो कि जो बात बोले थे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के लिए एंगल, एक्सपेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री। लेकिन मान लो अगर हम लोग बात करें साइक्लोप्रोपेन की, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल होता है कितना 60 डिग्री, तो तुम देखो दिस इज एक्सपेक्टेड एंगल, डॉटेड लाइन जो तुमको नजर आ रहा है ना, ये एक्सपेक्टेड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना 60 डिग्री एंगल, यही है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, साइक्लोप्रोपेन नजर आया। साइक्लोप्रोपेन में इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन घट गया कितना, घटकर हो गया 60 डिग्री, तो बताओ तो 109 डिग्री 28 मिनट में 60 डिग्री तुम घटा दिए तो कितना बच गया 28 मिनट, और इधर बच गया तुम्हारा 49 डिग्री, तो दोनों तरफ कितना कितना बच गया इस साइड और इस साइड, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 24.44 डिग्री के आसपास आता है, मतलब इतना दब गया। तो दोनों साइड से जब इतना दबाव होगा, बॉन्ड होना चाहिए तो 109 डिग्री 28 मिनट, और दोनों साइड से दब गया, तो बताओ तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ गया होगा कि घट गया होगा, उस एंगल स्ट्रेन के वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया होगा। इसी वजह से बोला जाता है कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट के जितना करीब, साइक्लिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से जितना कम होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से जितना कम या फिर 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज्यादा, तो भी स्टेबिलिटी घटे। तो बेयर इसके लिए थ्योरी दिया था, सबसे पहले तो ये जान लो कि यहाँ पर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं डी, डी इज एंगुलर स्ट्रेन, तो डी इज इक्वल्स टू, अभी जो नहीं लिखवा है जैसे कि ये था तुम्हारा 60 डिग्री रियल एंगल, और इस कार्बन पर अगर हम लोग एक्चुअल एंगल होना चाहिए कितना, तो 109 डिग्री 28 मिनट, तो जितना घट गया इस एंगल को हम लोग कितना बोलते हैं डी, इसी को डी बोले। तो डी का सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा तुम लोग सोच के बता दो, यदि ये एंगल 60 डिग्री को अल्फा मान लें, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लें, तो 109, 109 माइनस अल्फा मतलब वही 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो डी का वैल्यू मिलेगा ना, डी डी मतलब कितना घट गया इच साइड से, हर एक साइड से कितना घट गया, तो वो डी या तो तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 109.5 माइनस अल्फा, या फिर डी का वैल्यू नंबर ऑफ साइड से भी निकाल सकते हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन में था अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ पर डी क्या होगा हाफ इंटू 109.5 माइनस अल्फा कितना 60 डिग्री, तो कितना हो गया था 24 डिग्री, 24.44 डिग्री, तो इस तरह से आया।
तो 90 डिग्री भी पुट करोगे यहाँ पर अल्फा, तो कुछ डी का वैल्यू होगा, तो हर एक में डी का वैल्यू कुछ कुछ आ गया। तो डी का वैल्यू या तो इस तरह से निकाल सकते हो, ये तो अल्फा मतलब बॉन्ड एंगल के आधार पर निकालें, या तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड के आधार पर भी निकाल सकते हो। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 3। साइक्लोब्यूटेन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 4। साइक्लोपेंटेन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 5। तो एन के जगह तुम वही नंबर ऑफ बॉन्ड पुट करोगे तो भी डी का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 109, 159 माइनस 2n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 90। ये ऐसे बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला 8-9 में भी पढ़े होगे तुम लोग। तो डी जितना ज्यादा, ये तो ऐसे भी देखे तो स्टेबिलिटी उतना कम, डी का वैल्यू जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम, और इनर एंगल अल्फा उतना ज्यादा। तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा रहेगा तो डी, डी जब ज्यादा रहेगा तो एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा, तो इनर एंगल कम। तो इसी इसी दो, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है कि जितना ज्यादा डी रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होते चले जाएगा, या फिर स्टेबिलिटी जो है उतना कम होते चले जाएगा। डी जितना ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी जो है वो उतना कम होते चले जाएगा, है ना? और ये तो ऐसे भी दिख रहा है। तो इस थ्योरी के अनुसार, बेयर्स थ्योरी के अनुसार, सबसे ज्यादा स्टेबल, कंपेरेटिवली स्टेबल, यानी कि यहाँ पर डी का वैल्यू सबसे कम किसका आएगा? लोएस्ट वैल्यू ऑफ डी, याद रखो। अब जो बोलने जा रहे हैं जनरल नॉलेज, बेयर्स थ्योरी के अनुसार सबसे कम डी का वैल्यू लोएस्ट जो है वो किसके लिए आएगा? साइक्लोपेंटेन के लिए। तो इस वजह से बेयर्स थ्योरी के अनुसार साइक्लिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोपेंटेन, होता ही है। बेयर्स थ्योरी के अनुसार सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन, और बेयर बोला कि सबसे ज्यादा स्टेबल चूंकि साइक्लोपेंटेन इसलिए है क्योंकि उसके लिए डी का वैल्यू सबसे कम है, और साइक्लोपेंटेन से जैसे नीचे आओगे मतलब साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन, तो स्टेबिलिटी घटते जाएगा, और जैसे बढ़ते जाओगे यानी कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन साइक्लोऑक्टेन, तो स्टेबिलिटी उस स्थिति में भी घटेगा, मतलब इससे बढ़ने पर भी स्टेबिलिटी घटेगा, इससे घटने पर भी स्टेबिलिटी घटेगा। लेकिन ये बात 100% सही नहीं था। बाद में देखा गया कि तनाव ज्यादातर मुड़ने के वजह से होता है, मतलब कोई भी रॉड को दबाओगे ना तो ज्यादा तनाव पैदा होगा। कोई स्ट्रेट रॉड ले लो, उसको जितना उसको कोई स्ट्रेट रॉड ले लो और उसको बोलेंगे कि उसको मोड़ के सर्कल में कन्वर्ट, तो जितना छोटा सर्किल बनाओगे ना उतना ज्यादा ताकत लगेगी, और रॉड को जितना बड़ा सर्किल में कन्वर्ट करोगे कंपेरेटिवली कम ताकत लगेगी। तो रियलिटी ये होता है कि साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा साइक्लोब्यूटेन उससे ज्यादा साइक्लोपेंटेन, लेकिन बेयर कहता था साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन सच्चाई ये है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल, और कार्बन का संख्या जैसे बढ़ते जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। यानी कि बेयर थ्योरी कहीं पर सही था कहीं पर गलत। कहाँ पर सही था? तो प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन में बेयर थ्योरी कंपेरेटिवली सही था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन वगैरह के लिए ये थ्योरी गलत था, क्योंकि कार्बन का संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो घटते चले जाता है। समझे बात को? अब जो है हम लोगों को पढ़ना किस चीज के बारे में है, तो अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। किस चीज के बारे में? कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कि साइक्लोहेक्सेन का क्या क्या कन्फर्म है। साइक्लोहेक्सेन को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये है साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन तुमको नजर भी आ रहा होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 CH2। बहुत ज्यादा इमेजिनेशन का चीज है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मान लो इसको नीचे से देख रहे हैं, ठीक है ना, आई मेरा नीचे है, आंख नीचे से देख रहे हैं, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को तुम सामने से देख, तो ये दोनों कार्बन सामने है, तो इसके पीछे जस्ट होगा ये, क्यों? क्योंकि हम लोग इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन देख रहे हैं। तो देखना, ये वाला कार्बन दिखा, ये है डॉट, ये वाला कार्बन दिखा, ये है डॉट, दिख गया, ये वाला कार्बन दिखा, ये है सर्कल, ये वाला कार्बन दिखा, ये है सर्कल, क्योंकि ये पीछे था इस वजह से ये सर्कल। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो तुम देखो 6 कौन है? ये सामने वाला जो है दिस इज 6। 5 कौन है? पीछे वाला जो है ये है 5, सामने वाला जो है 1 के बाद 2 है, ये दिस इज 2, और पीछे वाला जो है दिस इज 3, ठीक है। अब जो है ये 6 पर, यही ना 6 है, 6 का 3 वैलेंसी हम लोग दिखाएं, और ये 2 का भी 3 वैलेंसी दिखाएं। तो तुम देखो
ये था टू, ये था सिक्स। तुम यहां से कंपेयर कर लेना, सिक्स से फाइव अटैच है, तो सिक्स सामने वाला है, पीछे सर्कल फाइव है, और सिक्स से तुम गौर से देखो, सिक्स से वन भी अटैच। ये जो कार्बन तुमको दिख रहा है ना, दिस इज वन नंबर का, और सिक्स पर बाकी दो हाइड्रोजन। सिमिलरली टू को देखो, टू को देखो, टू को देखो, दिखा टू, टू को देखोगे तो इससे भी वन अटैच है, टू से क्या चीज अटैच है, वन, और बाकी इस पर दो हाइड्रोजन है। उसके बाद थ्री को देखो ध्यान से, थ्री पर, थ्री मतलब पीछे वाला, पीछे वाले पर थ्री फोर से अटैच। थ्री जो है ये किससे अटैच है बताओ, फोर से, और फोर जो है फिर से फाइव से अटैच है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये फाइव, और बाकी फाइव पर भी रिमेनिंग दो हाइड्रोजन है, और इधर तुम्हारा थ्री पर भी दो हाइड्रोजन। तो दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन, और ये न्यूमन प्रोजेक्शन है कैसा, स्टैगर्ड, ठीक है। इसी का सौ हॉर्स प्रोजेक्शन अगर देखना हो तो क्या करेंगे बताओ, छह कार्बन तो पहले तुमको नजर आना चाहिए भाई, वो छह कार्बन तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम एक बार फिर से नंबरिंग करके दिखा देंगे। और अभी तो हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं एक्लिप्स। न्यूमन प्रोजेक्शन में ये स्टैगर्ड था, और ये वाला जो हम अब बनाने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्लिप्स, मतलब पीछे साइड रहता है ना, जस्ट इसके पीछे। ये वाला जो है ये कैसा है जल्दी से बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एक्लिप्स का। तुमको छह कार्बन दिखाना था, देखो ये है वन नंबर कार्बन, टू देखो यहाँ है ये डॉट, थ्री उसके पीछे सर्किल, थ्री से अटैच है ये फोर, ये वाला फोर से अटैच है ये फाइव पीछे सर्किल, और फाइव से ये अटैच है तुम्हारा सिक्स। तुम इसको कंपेयर कर सकते हो इससे, और दिस इज एक्चुअली एक्लिप्स स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को, ये दोनों तो न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखे हैं, इसी को स्टैगर्ड में लिखोगे तो स्टैगर्ड में ये इस तरह का चेयर फॉर्म में होता है ऐसा कुछ, ये स्टैगर्ड फॉर्म लिख रहे हैं जिसमें छह कार्बन तुमको नजर आ गया, और इस छह कार्बन पर जो है तुम्हारा हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, और वो हर एक हाइड्रोजन 120 डिग्री पर, जो कि तुमको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। ओ क्या ये जो है ये कितने डिग्री पर है बताओ, 120 डिग्री पर। और इन सारे हाइड्रोजन्स को में से जो टॉप पर जो हाइड्रोजन, जो वाला हाइड्रोजन टॉप पर है, उस हाइड्रोजन को हम लोग नाम देते हैं, ये जो हाइड्रोजन टॉप पर है दीज आर फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो ये भी स्टैगर्ड है, और इस वाले स्टैगर्ड को हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं, तुम लोग गौर से देखोगे कुर्सी टाइप का दिख रहा होगा, और इसी का एक्लिप्स फॉर्म लिखेंगे। तो इसी का एक्लिप्स फॉर्म जो होता है समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर भी छह कार्बन तुमको नजर आया, एक दो तीन चार पांच और छह, अच्छा वो कार्बन पर एक एक जोड़ा तुमको हाइड्रोजन भी नजर आ, और हर एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन 120 डिग्री पर। ये वाला जो है दिस इज एक्लिप्स, और इसको हम लोग बोट फॉर्म भी बोलते हैं, समझे बात को, ये जो है बोट फॉर्म ही कहलाता है। और वही सब चीज लिखे, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये न्यूमन प्रोजेक्शन में है। ये वाला बताओ तो क्या है, ये वाला है स्टैगर्ड, और ये वाला जो है दिस इज एक्लिप्स, समझे। तो बताओ तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनर्जी की बात करें तो एक्लिप्स में चूंकि टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है, तो एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा और स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे एनर्जी लिखना था हमको, एनर्जी ज्यादा और स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी जो होगा एक्लिप्स से ज्यादा होगा। ये न्यूमन प्रोजेक्शन, और इसी का सौ हॉर्स प्रोजेक्शन तुमको दिखा, ये जो है ये है तुम्हारा स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड को ही हम लोग चेयर फॉर्म भी बोल देते हैं, समझे। और ये बोट फॉर्म है, और ये जो है एक्लिप्स। और ये जो ऊपर में दो हाइड्रोजन होता था जो कि हमने यहाँ पर भी बनाया था,
ये जो बोट फॉर्म में यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, इन दोनों हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। झंडा की तरह दिख भी रहा है तुम लोगों को, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। सुने बात को? तो ये जो है थोड़ा थोड़ा बात है किस चीज को लेकर, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म को लेकर। इसका पूरा पीडीएफ जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ तुम लोगों को मिल चुका है, तुम्हारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज दिए हैं। तो उस वाले पीडीएफ को शुरू से लेकर लास्ट तक, जहाँ पर उस पीडीएफ का जो अंतिम 3-4 पेज है ना, तो अंतिम के 3-4 पेज में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद ये वाला चीज तुम लोग उस पीडीएफ से थॉरली पढ़ना, उसमें बहुत सारा थियोरिटिकल टर्म भी है, तो वो तुमको बहुत सारा चीज समझ में भी आए। सुने, और कुछ कुछ एडिशनल टर्म होगा तो उसको अंडरलाइन कर लेना वहां पर, और ऑब्वियस सी बात है इससे संबंधित क्वेश्चन जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को बनाओ, और तुमको पूरा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो हम लोग पढ़े उससे क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ओके, रहने दो, बाय बाय, अगले दिन करते हैं।